वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैंने आप सब लोगों से पूछा था कि मैं अपना मॉर्निंग वर्कआउट का डिटेल वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ क्या, तो काफ़ी सारी लड़कियों ने कहा कि हमें आपका मॉर्निंग वर्कआउट का डिटेल वीडियो देखना है। तो चलो फिर आज का मॉर्निंग वर्कआउट का डिटेल वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। तो थंबनेल में आपने मेरी हाइट ग्रोथ की फोटोज तो देख ही लिए होंगे, तो आज मैं आपको वही वर्कआउट दिखाऊंगी जो मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ और जिससे मेरी हाइट बढ़ी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उठने के बाद जैसे ही आप उठते हो तो तुरंत बेड पे ही आपको एक ग्लास पानी पी लेना है। तो अगर आप सुबह सुबह एक ग्लास पानी पीते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा और आपको पिंपल की प्रॉब्लम कम से कम होगी। ले लो पापा आपका खाने का टाइम हो गया और अभी तो वर्कआउट स्टार्ट कर रही है। आज मुझे वीडियो शूट करना था ना, इसीलिए लेट वर्कआउट स्टार्ट हो रहा है। देखो पापा जो खाना खा रहे हैं ना वही खाना मैं भी खाती हूँ। एक कटोरी यहाँ पे सब्जी है, फिर मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा दही, और फिर ये दाल। राइस तो मैं खाती नहीं हूँ। तो इसको बोलते हैं सात्विक आहार, यानी कि पौष्टिक खाना। अगर आप मेरे एज के और डेली ऐसे ही नॉर्मल खाना खाते हो तो है ना आपको पिंपल की प्रॉब्लम कम से कम होगी। तो चलो अभी फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने है ना योगा के लिए एक एकदम मस्त ड्रेस लिया है, शायद से आपने वो देखा है। तो मैं है ना ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर आप बताना मुझ पे कैसे लग रहा है। तो ये देखो, ये रहा मेरा योगा का ड्रेस। ऐसा है ना, सेम पिंक कलर का था जो मैंने आपको दिखाया, तो ये और एक है। तो देखो आपने है ना पैर ऐसे ऊपर करने और हाथ ऐसे टाइट ऊपर करने। तो लड़कों की हाइट तो 16-17 की एज तक बढ़ती रहती है, तो वो तो टॉल हो ही जाते हैं, लेकिन लड़कियों की हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। हम लड़कियों की हाइट मैक्सिमम किस एज में बढ़ती है, और वो एज होती है हमारे फर्स्ट पीरियड आने के 2 साल पहले। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 13 साल की एज में पीरियड्स आने वाले होंगे तो मैक्सिमम आपकी हाइट बढ़ेगी 11वें और 12वें साल में। और एक बार की अगर आपको पीरियड्स आ गए तो आपकी हाइट फिर बढ़ती है 1 या 2 इंच। 1 या 2 इंच मतलब ये उंगली। सो अच्छी खासी लंबी हाइट डिपेंड होती है अपने लेग्स पे, जितनी लंबी टांगे होंगी उतनी लंबी आपकी हाइट होगी। तो आप सबको तो पता ही है कि हाइट बढ़ाने के लिए लटकना कितना जरूरी है। आप जितनी देर लटक सकते हो लटके रहो। जितनी देर आप ऐसे झूला झूल सकते हो झूलते रहो। इससे क्या होगा, आपके हाथ भी लंबे होंगे, आपकी बैक भी लंबी दिखेगी। और अभी हम है ना अपने हाथों को और पैरों को स्ट्रेच करेंगे। अगर आप कहीं पे भी लटकते हो ना तो सामने ऐसे कुछ पैर रखने के लिए है ना, तो ऐसे पैर रखो और ऐसे लटके रहो। इससे है ना आपके लेग्स पे अच्छा खासा स्ट्रेस पड़ेगा। अभी हम करेंगे कार्डियो। कार्डियो मींस है ना ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको है ना थकावट आए, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाए। तो घर पे ऐसी कौन सी कार्डियो एक्सरसाइज करें जिससे है ना आपको थकावट हो, जिससे आपकी हार्ट बीट तेज हो और आपको पसीना निकले। तो चलो मैं अभी है ना स्टार्ट कर देती हूँ। सो ये है कुछ 4-5 कार्डियो एक्सरसाइज जो आपको एक के बाद एक करने हैं जब तक आपका पसीना नहीं निकल जाए। तो अभी आप मुझे देख लो और 15 मिनट के बाद देखना पूरा पसीना निकल जाएगा। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। दूसरा हाथ भी घुमा।
खाना है। एक्सरसाइज होने के बाद में मैं दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी। देखो अभी सिर्फ 7 मिनट हुए और पसीना निकलना चालू हो गया है। और ये वाली एक्सरसाइज भी आपको ना 100 टाइम करनी है। सो ये वाली एक्सरसाइज होने के बाद में बिना रुके हमें स्टार्ट करनी है दूसरी वाली एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज होने के बाद में तुरंत आपको जंपिंग स्टार्ट कर देनी और वो भी टोस के ऊपर। हाई जंप, शॉर्ट जंप, हाई जंप, शॉर्ट, और जंपिंग होने के बाद में ना सीधा सूर्य नमस्कार चालू कर देना चाहिए। सो हो गई। देखो कितना पसीना पसीना हो गई हूँ मैं पूरा, ये देखो। सो सूर्य नमस्कार होने के बाद में ना 30 सेकंड ऐसे लेटना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या करना होता है आओ मैं आपको बताती हूँ। आपके भी अगर घर में ऐसे चक्कर लगाने के लिए जगह है तो आप भी लगाया करो, इससे भी हाइट बढ़ती है। सो ये होने के बाद में फिर से 30 सेकंड के लिए इसे लेटना है, रिलैक्स हो जाना है अभी। क्या बोलती हो लड़कियों, इतना आसान नहीं है। अच्छी फिगर चाहिए, अच्छी हाइट चाहिए और अच्छी स्किन चाहिए, तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप डेली एकदम प्रोफेशनल वर्कआउट करो, हैवी वर्कआउट करो, ऐसे सिंपल वर्कआउट है ना, आप डेली 50 मिनट किया करो बस। और डेली मतलब है ना हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, उससे है ना आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी हाइट में भी इंक्रीज होगा। और अगर आप वर्कआउट करते हो तो आप एकदम स्लिम ट्रिम दिखोगे। क्या लगता है एक्सरसाइज हो गई? हुआ नहीं है अभी, अभी सिर्फ 35 मिनट हुए हैं, 15 मिनट की एक्सरसाइज बाकी है। तो नेक्स्ट हमें करना है योगासन। दिखो जितनी देर आप इन हाथों पे होल्ड कर सकते हो करो। जो नया है वो तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन है ना आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है इसको। रुको मैं आपको है ना ये साइड से करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपको है ना 5 बार करना है 1-1 मिनट होल्ड करके। ये एक ही वर्कआउट से है ना आपके पूरे बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, तो ये तो आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी आंखों के लिए और चेहरे के ग्लो के लिए। सो इसके लिए आपको आपके बॉडी का ब्लड फ्लो आपके हेड के डायरेक्शन में पुश करना है, तो ये आप कैसे करोगे आओ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिखाती हूँ। शायद सबको करना पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर कर सकते हो तो करो। ऐसे आपको होल्ड करना है तो आपको बॉडी का ब्लड फ्लो हेड के डायरेक्शन में पुश होगा, ये आप जितना देर होल्ड कर सकते हो करना। तो अभी आप सोच रहे होगे कि अभी क्यों एक्सरसाइज करना, हम जब बड़े हो जाएंगे 17-18 साल के हो जाएंगे तब जिम ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, तब तो आप एक्सरसाइज कर लोगे, बॉडी फिट वगैरह रख लोगे, लेकिन तब हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने की यही सही एज है 11, 12, 13, 14। तो पिछले 4 साल में है ना मैंने स्विमिंग भी की है, बास्केटबॉल के क्लासेस भी लगाए, तो यही एक्सरसाइज मैं पिछले 4 साल से करते आ रही हूँ। और आप फोटो में देख सकते हो कितना डिफरेंट आया, कितनी हाइट बढ़ी है। सो हे बॉयज, आपके लिए वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है, आप लाइक कर देना ठीक है। और गर्ल्स आप लोग सुनो, सो मुझे ना काफी सारी गर्ल्स ने कहा कि आप अपने पीरियड रूटीन पे वीडियो बनाओ, आप कैसे करते हो, क्या क्या करते हो। तो देखो यार मैं कुछ डिफरेंट नहीं करती हूँ, लेकिन है ना मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए डर लगता है, क्योंकि क्या है ना अगर हम पीरियड्स के ऊपर इतना कोई खुल के बात करता है नहीं, और अगर कोई करना चाहे तो लोग क्या है ना उसका मजाक बना देते, उसको दबाने के लिए जाते, तो देखो इसीलिए मुझे डर लगता है। नहीं तो मैं पीरियड्स के ऊपर एकदम खुल के
मुझे बात कर सकती हो, आप सब लोगों के साथ मेरा रूटीन भी शेयर कर सकती हो, लेकिन आपको पता है कि फिर मजाक कैसे बनता है, इसलिए मेरे को डर लगता है, इसलिए मैं ऐसे कुछ करती नहीं हूँ। तो गर्ल्स, अगर आप चाहते हो तो मैं अपना 5-day पीरियड रूटीन आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ 5 दिनों में। और हाँ, मेरा है ना फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस भी आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं ना तब ट्रैवल ही कर रही थी और मेरा फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मेमोराइजिंग था। तो आप चाहते हो कि मैं अपना फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, कमेंट करके बताओ। और मैं इतनी लकी हूँ, मुझे मेरे फर्स्ट पीरियड आए थे मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट देवास में, और देवास जाना जाता है देवी माता के मंदिरों के लिए। मुझे मेरे फर्स्ट पीरियड्स में देवी माता का स्पेशल आशीर्वाद मिल गया। तो अभी मेरी हार्ट बीट है ना नॉर्मल हो गई है। अभी एक्सरसाइज होने के बाद में मैं क्या खाती हूँ, मम्मा लाओ ये देखो, ये है ढेर सारे फ्रूट, इसमें एप्पल है, बनाना है, पपीता है, और पपीता तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप भी खाया करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा डाइट रूटीन भी आप सब लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करूं, जैसे मैंने आज वर्कआउट का किया है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का मेरा ये मेहनत वाला वीडियो और थका देने वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा देवी माता का लुक रिक्रिएट वाला वीडियो, और हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सेम लुक कर पाए, ठीक है। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, लाइक कर देना।